वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो स्टार्ट हुआ है वो चांद रात के व्लॉग से मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही थी। थोड़ा सा व्लॉग जो है वो मेरा लेट हो गया क्योंकि मेरे गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी इसमें, तो इस वजह से मेरा जो है व्लॉग लेट हो गया। और उसके बाद के कई व्लॉग के क्लिप अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं इसी से ही शुरू करूँगी। और ईद का जो व्लॉग है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली अपनी बेटी को भी। और ये ईद की सुबह है जब बच्चे अभी सो के उठे थे, तो मैंने उन्हें जो सरप्राइज़ था वो हमने सुबह के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने डोर के साथ हैंग कर दिया था। ये हमारा मेन डोर है, तो बच्चे देख के बहुत ही खुश हुए। लेकिन मैंने इनसे कहा पहले आप देख लो अपना सरप्राइज़, लेकिन शावर लेने के बाद ही आप इसे ओपन करना। तो बस इन्होंने जो है खोल के देखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद मैंने इनको शावर दिया। मेरा अभी भी कुछ बेहतर हुआ है तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना वीडियो एडिट कर लूं। मैंने इनको शावर अभी तो ये लोग देख रहे हैं, इसके बाद मैंने शावर दे के थोड़ा सा रूम को टाइडी करके फिर मैंने सेवइयां बनाई थी। तो मैं आपके साथ आज सारा ईद का व्लॉग शेयर करूंगी। और 2 दिन हम दावत में गए थे, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इंस्टाग्राम पे तो मैं शेयर करती रही हूँ, जो जो मुझे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपडेट देती रही हूँ। तो वहाँ मैंने ईद की पिक्स और सारी पिक्स जो हैं वो अपलोड की थी। बच्चे जो हैं अब अपने अपने गिफ्ट खोल के देख रहे थे, तो फिर मैंने इन्हें कहा कि अब आपके जो है शावर का टाइम हो गया, अभी आप ओपन नहीं कर सकते, तो जब आप शावर ले लेंगे फिर ही जो है आप ओपन करना इन सब चीज़ों को। तो अब ये बच्चों को मैंने शावर दे दिया था, तो इनके बाबा ने थोड़ी सी वीडियो मेरे लिए बनाई। मैं किचन में सेवइयां बना रही थी, तो इनके बाबा ने इनके साथ मिलकर ये थोड़ी सी जो है मेरे लिए वीडियो एडिट की थी। और ये अब अपने जो है गिफ्ट को खोल के देखेंगे कि इसमें क्या क्या है और इसमें से क्या क्या निकलता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पैक हैं और उन्हें नहीं पता कि इसमें से क्या निकलेगा। तो अब बच्चे जो हैं बारी बारी अपने सारे गिफ्ट खोलेंगे। शावर इन्होंने ले लिया है, अब रेडी करूँगी मैं इनको जाने से पहले। हमें तकरीबन 1 से 1.5 बजे जाना है दावत में, जो कि ईद पार्टी है। और 2 महीने बाद जब हम घर से निकले ईद पार्टी के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा जो है बच्चों ने भी फ़न किया, और बहुत ज़्यादा हम लोग थक के वापस आए। बच्चे बारी बारी अपने गिफ्ट खोल रहे हैं और देख रहे हैं कि, और ये ईसा की एक कार थी बहुत ही प्यारी, ये छोटे छोटे गिफ्ट लेके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ईद जो है जी बच्चों की बहुत अच्छी गुजरी, और हम सब की जो है वो बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि 2 महीने बंद रहने के बाद जब हमने ऐसी ईद मनाई बाहर जाके और अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिले, और लंच जो था हमने एक साथ किया, तो बहुत मज़ा आया। अभी भी जो है मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, और मैं इसके लिए जो है सिरप ले रही हूँ। तो ये मेरी बेटी का मेकअप निकला है, उसे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। और बेटे की कार है वो देख रहा है, और इसी में ही इन दोनों ने जो है काफ़ी टाइम लगा दिया। तो फिर मैंने उसके बाद इन्हें नाश्ता कराया, सिंपल सा हमने नाश्ता किया था क्योंकि हमें लंच बाहर करना था जाके फ्रेंड्स के घर पे। तो फिर हमने सिंपल सा जो है नाश्ता किया था और ज़्यादा सेवइयाँ ही खाई थी नाश्ते में। तो मैं जो थी किचन में सेवइयाँ बना रही थी, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किचन में सेवइयाँ बना रही थी, उनके बाबा ने ये थोड़ा सा जो है वीडियो क्लिप बनाया था अपने फ़ोन से, जो कि फिर मैंने उनसे लेके तो फिर मैंने एडिट करते हुए वीडियो में ऐड कर लिया था। तो बच्चों ने तकरीबन सारे गिफ्ट जो हैं खोल के और बहुत ज़्यादा जी मिस कर लिया हुआ है। और मैंने जल्दी से जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के थोड़ा सा टाइडी वगैरह करके, और कपड़े तो इनके पहले से ही रेडी थे जाने के लिए, तो फिर मैंने
इनको तैयार किया था। ये जी सेवैयाँ जो हैं रेडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बादाम और पिस्ते डाले हैं, थोड़ा सा कोकोनट भी था मेरे पास क्रश, वो मैंने ऐड किया है। और अब मैं दिखाती हूँ अपने फ़ोन से वीडियो जो मैंने बनाई थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेस कर दिया था रूम में, तो अब मैंने इन दोनों को जो है नाश्ता करवाना है, और साथ में थोड़ा सा टाइटी करने के बाद हम लोग मैंने इनको तैयार किया। और जी ये है जी मेरी बेटी की मेहंदी चूड़ियाँ, और ये हेयर स्टाइल बनाया था जी हमने, जो मैंने यूट्यूब से ही देखा था। सिंपल, मुझे इतने ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते। और ये है जी ईसा, ईसा ने ब्लैक शलवार कमीज, पेशावरी चप्पल और गोल्डन और सिल्वर कलर का अपना वेस्टकोट पहने, और साथ में वॉच और मेहंदी ईसा ने भी लगाई थी, छोटी सी टिक्की, उसको बहुत शौक है तो उसने भी लगाई थी। तो ये है मेरा ड्रेस, मेरे रेड शूज़ जो मैंने आपके साथ, और ये मेरा गजरा है जो कि पता नहीं मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया है कि नहीं, मुझे नहीं याद। ये जो मेरा गजरा था ये सब लोगों ने बहुत पसंद किया, सबको लग रहा था ये रियल है, लेकिन ये रियल बिल्कुल भी नहीं है, ये नकली फूलों से बना हुआ है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें पता है कि ये नकली गजरे और नकली जो है फ्लावर की ज्वेलरी आजकल मिल रही है पाकिस्तान में, तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी, और मैंने अपनी बहन की शादी पर लिया था, फिर मैं इसको यहाँ ले आई थी, और सबको बहुत पसंद आया। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने गजरा कहाँ से लिया, उन्हें लग रहा था कि शायद ये रियल है या मैंने खुद बनाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये आर्टिफिशियल फूलों का है, और इसे जब चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हम पहुंच चुके थे दावत में, और ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो चुका था, पाए थे, और बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के यम्मी खाने थे, बहुत मज़ा आया। और ये सेकंड डे की वीडियो है, अब हम सेकंड डे की भी मैंने पिक्चर वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट दावत में, ये अगले दिन की वीडियो है। सुबह जब तैयार हुई उठी, बहुत सारे काम किए, बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, और जब निकले घर से थोड़ी सी पिक्चर्स उतारी, और फिर जब रोड पे थे तो याद आया थोड़ी सी वीडियो भी आप लोगों के लिए एडिट कर लूँ, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं दावत में, और यहाँ पे भी हमारी लंच की ही पार्टी थी, यहाँ पे दो फैमिली और आई हुई थी। यहाँ पे भी बहुत मज़े के खाने थे, अचारी, चिकन बिरयानी, कबाब और खड़े मसाले का कीमा और नान वगैरह थे, बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। और तीसरे दिन जो है हमने ईद घर में मनाई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बच्चों ने आइस लॉलीज ली थी, वो खाई हैं, मैंने इनको तैयार किया, मैं खुद भी तैयार हुई, और हम लोग जो है बाहर गए थे, नीचे गए थोड़ा सा, बच्चों ने, मैंने इनकी पिक्चर्स वगैरह उतारी और अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, और साथ में बच्चों ने थोड़ी सी साइकिल वगैरह चलाई। उसके बाद हम बाहर गए थे, हम पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाया हम लोगों ने, और उसके बाद शाम में हम दोबारा बाहर गए, और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी और आइसक्रीम इंजॉय की थी। अभी मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी बच्चे जो हैं वो साइकिलिंग वगैरह करेंगे। और तीसरा दिन भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा था। और बच्चे एक दूसरे का फ्लेवर जो है आइस वाली का वो टेस्ट कर रहे हैं, एक डच का एप्पल फ्लेवर था और ईसा का ऑरेंज, तो ये देख रहे हैं। और यहाँ पे इन पौधों पे कुछ बेर टाइप कोई चीज़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसमें शायद आपको क्लियर नज़र ना आए। और ये किले की दीवार है जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, और ये बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तीसरा दिन, तीनों दिन ईद के हमने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और तीसरा दिन घर पे भी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि 2 दिन हम बाहर फिर के और लेट नाइट वापस आते रहे, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अब हमारा है जी पिज़्ज़ा टाइम, तो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग दोबारा से बाहर निकले और खा के आए थे शाम में आइसक्रीम, अभी बजे हुए थे शाम के 7। तो इसी के साथ ही आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ ही टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।